हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपी बाय सुमन दैया। बनाते हैं आज मिर्ची का अचार। आओ मैं मिर्ची का अचार का सामान दिखा देती हूँ पहले आपको। ये मिर्ची है, 100 ग्राम मिर्ची है। ये सरसों है, इसको मैंने सिल बट्टे पे 2-3 बार चला के कुछ इस तरीके की कर दी। देखो ये डबल होगी। ये कलौंजी है, ये सौंफ है, ये बहुत कम, एक दो आधी चम्मच मेथी है। मेथी कम रखना वरना थोड़ी सी कड़वी आ जाती है, कड़ी हो जाती है। और ये मैंने सरसों का तेल गरम करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। 100 ग्राम तेल है ये। ये मिर्च है, मैंने धो ली और धूप में सुखा ली। और अब मैं इनको काट के दिखाती हूँ। ये तोड़ लेते हैं इनका, और अब मैं इनको काटूंगी। इतने इतने टुकड़े काटूंगी मैं, छोटे छोटे। आप चाहे तो इन्हें लंबी भी बना सकते हो, और मतलब बिना तोड़े बीच में से चीरा लगा के भर के भी बना सकते हो। लेकिन हम इस तरीके के बनाएंगे, छोटे छोटी। अभी काट के मैं आपको दिखाती हूँ मिर्च। देखो मिर्च मैंने काट के रख लिया है, और आप इसको लंबी का मतलब है कि इसको इस तरीके से बीच में चीरा लगा के, ये देखो इस तरीके से आप इसके अंदर भी इस मसाले को भर सकते हो। लेकिन हम इसी तरीके से बनाते हैं अचार, क्योंकि ये वेस्ट भी नहीं होता। जितने की ज़रूरत होती है उतना ही खा सकते हैं। अब ये मसाला मैं कढ़ाई में, अगर मैं तो तवे पर कर लूँगी, यदि आपका मसाला ज़्यादा हो तो आप कढ़ाई में करना। मैं तवे पर ही इन्हें रोस्ट करूँगी अभी। तवा गरम हो गया है, अब मैं इसे रोस्ट करूंगी, दोनों चीज़ों को, मेथी को और इसे। क्योंकि ये मसाला मेरा तो बहुत कम है, इसलिए मैंने तवा रख लिया, और आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं इसे। इतने इसको रोस्ट करते रहेंगे इतने इसकी नमी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे। मेथी और सौंफ को रोस्ट होने तक चलाएँगे। अब ये रोस्टेड हो चुकी हैं, और गैस बंद कर देते हैं। इनको एक अलग प्लेट में रख लेंगे निकाल के इसमें से, और ठंडा होने का वेट करेंगे अभी इनका। ये रोस्टेड होने के बाद ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। सौंफ मेथी ठंडी हो चुकी हैं, अब इनको मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको पीस के। ये देखो पीस ली है मैंने, दरदरी कर ली है। दरदरी का मतलब होता है थोड़ा दानेदार, मोटा मोटा थोड़ा। देखो ये अब हम सब मसाले मिलाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब इस गहरे बर्तन में सारी मिर्च डाल लेते हैं। मसाला इसमें डाल लेते हैं। ये भी सौंफ और मेथी है ये। ये सरसों है पीली, ये कलौंजी है, ये नमक है, ये लाल मिर्ची है, ये हल्दी है। अब हमने जो तेल गरम करके रखा था वो ठंडा हो गया है, और इसमें डाल लेते हैं। तो इन्हें मिक्स कर देते हैं एक जगह। ये देखो कितना सुंदर अचार बन गया है। अब मैं आपको इसे डिब्बी में डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने धो के रख रखी है, सूखी है एकदम, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। ये मैंने धो के और धूप में सुखा के रखी थी। अब मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ।
हम इसमें बचा हुआ ऑयल भी डाल देंगे। अब देखो ये इस तरीके का हो गया है। अभी मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर धूप में रखूंगी। आज मैं इसे धूप में रखूंगी पूरा दिन। मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाना, लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि अचार कैसा बनाया है। बाय।